अपने दिल को भी पाकिज़ा बना सकते हैं अल्लाह की महब्बत को हासिल कर सकते हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनको सीखना बालग होने से पहले वाजिब है क्योंकि बालग होने के बाद तो चौबीस घंटे इंसान की तरफ़ या वाजिब मतवज है या हराम आ रहा है या मस्हब का मसला है तो अगर इंसान बालग होने से पहले इन चीज़ों को नहीं समझेगा उसे तरबियत नहीं मिलेगी उसे ऐसा माहौल नहीं मिलेगा तो तबन बालग होने के बाद वो गुनागार होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि आँख को कैसे यूज़ करना है उसे नहीं पता कि कान को अल्लाह की इस नेमत को कैसे खुदा की इतात में इस्तेमाल करना है उसे नहीं मालूम कि ज़बान को कहाँ रोकना है और कहाँ बोलना है लिहाजा ऐसा इंसान जो है कदम कदम पर गुनाह करता चला जाएगा और अपने नाम अमाल को स्याह करता चला जाएगा मेराज से जब आप तशरीफ़ लाए तो लोगों ने पूछा है अल्लाह के रसूल कोई वाक़ सुनाई फरमाया एक ऐसे शख्स पे मुझे बहुत रहम आया कि जो बूढ़ा हो चुका है और उसकी कमर के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है कि वो कदम कदम पे गिर जाता है फिर जब चलता है तो मज़ीद बोझ अपनी कमर पे लाद लेता है तो ऐसे शख्स पे मुझे बहुत तरस आया कि ये अजीब शख्स है तो पूछा गया यार रसोला ये कौन शख्स है फरमाया ये वो शख्स है कि जिसने गुनाहों के ज़रिए अपनी कमर को के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ लाद लिया है लेकिन फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आता गुनाहों से तौबा नहीं करता बल्कि मज़ीद थोड़ा चलता है तो फिर गुनाहों में इजाफा कर लेता है तो एक तश्ीह देकर एक मिसाल दे कर रसूल इस्लाम सल वसल्लम ने हमें ये समझाया है कि हमारी डेली लाइफ इसी तरह है कि हम कदम कदम पे गुनाहों के बोझ में इजाफा किए जा रहे हैं, हमारे अमाल में इखलास नहीं है हम आखरत को भोले हुए हैं हम मौत को भोले हुए हैं हम उस असली ज़िंदगी को भूले हुए हैं कि जो मौत के बाद हमें मिलने वाली हो ये ऐसे ही है कि अगर कोई शख्स सफ़र पे जा रहा हो और सफ़र में थोड़ा अरसा उसने गुजारना है और फिर उसने अपने असली वतन पहुँच जाना है तो अगर वो शख़्स सफ़र में ही दिल लगा बैठे सफ़र के उन मुश्किलात में ही अपने वतन को भूल ही जाए तो सब लोग कहेंगे कि ये कैसा इंसान है ये तो थोड़ी के देर के लिए सफ़र पे गया था और वहीं दिल लगा बैठा अपने वतन को ही भूल गया अपनों को भी भूल गया अपने मकसद को सब कुछ भूल गया अपना माजी हाल इस्ते तो उस शख्स को सब लोग अकलमंद नहीं कहेंगे इसी तरह हमारा हाल है कि हम दुनिया में ऐज ए मुसाफिर हैं थोड़े अरसे के मेहमान हैं फिर हमेशा की ज़िंदगी आने वाली है जो मौत के बाद वो जिंदगी और वो वतन जो जन्नत है मोमिन के लिए और काफिर मुनाफ़ मुनाफिक व फासिक के लिए जहन्नम है उसके उस वतन के हवाले से हमें फ़िक्र गौर करना चाहिए कि उस वतन में हमें क्या क्या चाहिए उस वतन तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए तो उन चीज़ों को हम लें तजवद फ़िन ख़ैर ज़ाद तकवा इमाम ने फरमाया बढ़ा लो बस बेहतरीन राह जो है आख़रत का वो तकवा है तकवे को साथ लेके चलो जैसे कि कुर्बानी के बारे में कुरान ने फरमाया कि ख़ुदा तक न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है न खून पहुँचता तकवा तुम्हारा पहुँचता है कि तुमने खुदा के रजा के लिए कुर्बानी की है या दिखावे के लिए फ़लां क़ुरबानी की है लोग कहें जी फलां भी कुर्बानी करता है इसी तरह हमारे सारे अमाल तो बेहतरीन तकवा है खुदा के ख़ुदा के रजा के लिए अगर हम सारे काम कर रहे हैं अपने मुस्तहब कामों को छुपा के करें किसी को ज़ाहिर ना होने दें ताकि उनमें दिखावा ना आ जाए फ़कत खालस अल्लाह के लिए तो इस मकाम पर यही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी हमारा माहौल हमारी फ़िक्रें दुनिया में इतनी खोई हुई हैं कि हम अपने बच्चों को बालग होने से पहले और ख़ुद भी दीन नहीं सीखते इसके कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते दीन एक षानवी चीज़ होकर रह गई हमारी ज़िंदगी में इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह की बारगाह में हमारे ऊपर मसायब आते हैं कभी जलजले, कभी सैलाब कभी बीमारियाँ कभी बेअमनी ताकि हम मतनबे हो जाए मतव हो जाएँ लेकिन फिर भी हम गफलत में बड़े हुए हम इन मसाइब के आने के बाद भी जागते नहीं हैं हम तोबा नहीं करते हम अल्लाह से डरते नहीं हैं क्योंकि जो इंसान आखरत से जाहिल है जहनत और जन्नत से जाहिल है अल्लाह से जाहिल है दीन से जाहल है उसे कोई परवाह नहीं होती क्या कर रहा है क्या उसका नुकसान है क्या उसका फ़ायदा है इस बात की तरफ वो मतवज नहीं होता है अन्नास न्यामो नज़ामतिन तबहू इमाम फ़रमाते हैं लोग गफलत की नींद सो रहे हैं जब मरेंगे तब जाके के होंगे इसी तरह हमारी सचुएशन है हम में से अगलब लोगों की यही सचुएशन है एक और मकाम पे रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु सल वसल्लम फरमाते हैं मन अक्सर ज़िक्र मौत अहब्बल्ल कि जो मौत का ज़िक्र ज़्यादा करता है अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है अब हमारे माशरे में क्या होता है कि मौत का नाम भी नहीं लेने देते ओ मौत का नाम न लेना कहीं हमारे घर की तरफ मौत रुख ना कर दे कहीं और ज़िक्र करो मौत से घबराते हैं मौत का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है जनाब अबू ज़र रिजवानुल्लाह ताला से किसी ने पूछा हम मौत से क्यों घबराते हैं बड़ा ख़ूबसूरत जवाब दिया चूँकि हमने दुनिया को आबाद किया है और आखरत के घर को हमने बर्बाद किया है लिहाज़ा कौन है जो आबाद घर को छोड़ के बर्बाद घर की तरफ जाना चाहे यानी हम दुनिया में खोए रहे हमने अल्लाह की इतात नहीं की हमने आख़रत के लिए कोई ज़्यादा राह इकट्ठा नहीं किया तो फिर हमारी आखरत जब ख़राब है तो हम कैसे इस दुनिया के आबाद घर को छोड़ के मौत को कबूल करेंगे इसलिए हम मौत से घबराते हैं और अगर हर वक्त चौबीस घंटा काम ही आखरत के लिए किया है इंसान की कोशिश ही आखरत के लिए है दुनिया भी उसे मिल जाएगी जो आख़रत के लिए कोशिश करते हैं क्या उसे दुनिया नहीं मिलती उनकी दुनिया उन लोगों से बेहतर है जो फ़कत दुनिया के लिए काम करते आप तारीख़ उठा कर देख लें आप शख़्सियात की ज़िंदगी की सीरत को उठा कर देख लें उनकी हिस्ट्री को पढ़ लें कि जिन लोगों ने आखरत के लिए खुदा के लिए काम किया उनकी दुनिया बेहतर थी उन लोगों से जिन्होंने दुनिया के लिए काम किया दुनिया में क्या चाहिए इंसान को खाना चाहिए लिबास चाहिए रहने के लिए एक छत चाहिए क्या जिन लोगों ने आख़रत के लिए काम किया है खुदा के लिए काम किया है क्या उनको ये चीज़ें नसीब नहीं हुई थी क्या वो भूखे मर गए क्या वो बग़ैर लिबास के दुनिया में रहे क्या बग़ैर छत के वो ज़िंदगी गुजारते रहे बाक़ी जो ज़्यादा लंबी लंबी उम्मीदें हैं ये तो कभी नहीं ख़त्म होती ये इंसान को हलाक कर देती हैं ये इंसान को गाफिल कर देती हैं ये इंसान को बर्बाद कर देती हैं हाँ अगर हासिल हो जाएँ तो कोई हरज नहीं लेकिन आखरत ख़राब ना हो लिहाजा रसूल इस्लाम ने यह कीमती नुक्ता हमें इरशाद फरमाया कि जो मौत को ज़्यादा याद करता है इसका मतलब आखरत के लिए परेशान आख़रत के लिए काम करना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है क्योंकि वो अल्लाह के पास आना चाहता है वो अपने महबूब के पास आना चाहता है वो अपने आमाल को पेश करना चाहता है इलाही मैं तेरे लिए ये काम करके लाया हूँ तेरी मोहब्बत में फ़ायदा तो फिर उस इंसान को ही होगा ना लिहाजा इस मकाम पे सोचने की ज़रूरत है खुदा हम सब को तोफ़ी दे व आखिर दावा ना अनहदुल्ल रबालमी